हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चिट चैट विद अल्पना। सो फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी सनस्क्रीन हम क्यों यूज़ करें और उससे जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल में जानकारी होती है वो मैंने बताई थी। तो अभी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ अच्छी सनस्क्रीन के बारे में और कुछ ऐसी सनस्क्रीन जो पर्सनली मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं एक तरह से मैं आपको रिव्यू दूंगी जो भी सनस्क्रीन मेरे पास अवेलेबल है। मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे बहुत सारी सनस्क्रीन ट्राई की हैं और तब जाके मुझे कुछ कोहिनूर मिला है तो वो कोहिनूर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और वेल, सबसे पहले मैं बात करती हूँ लैक्मे सनस्क्रीन के बारे में। सबसे पहली सनस्क्रीन जो मैंने ली थी वो यही थी। वेल फ्रेंड्स, ये बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि अल्ट्रा मैट लोशन है और लाइट है, नॉन स्टिकी है, ऑल स्किन टाइप्स, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड 97% यूवीबी रेज को ये ब्लॉक करती है, ठीक है। और इसमें विटामिन B3 है, ककम्बर है और लेमन ग्रास एक्सट्रैक्ट्स, ये सब कुछ इसमें दावा किया गया है। और तो बिकॉज इसमें अल्ट्रा मैट सोल्यूशन लिखा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा, ये समर की बात है जब मैंने लिया था, अभी तो विंटर्स आ गई है, तो समर में जब मैंने इसे अप्लाई किया तो मैंने टू फिंगर रूल वाला सोचा कि मैं टू फिंगर रूल वाला करती हूँ। जब मैंने इसे फेस पे लगाया तो आई फेल्ट लाइक अ गोस्ट। मुझे लगा कि बिल्कुल वाइट हो चुका था मेरा फेस और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे ब्लेंड कैसे करूँ। ब्लेंड करने के लिए मैं बहुत देर से ट्राई किए जा रही हूँ, फिंगर से कोशिश कर रही हूँ कि ब्लेंड हो जा, और मुझे जाना भी था कहीं पर, इतना जल्दी में भी थी लेकिन लगा लिया तो अब क्या करूँ, अब धो नहीं सकती। मैंने सोचा ब्लेंड करती हूँ, हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी तरह से, मैं ब्लेंड किए जा रही हूँ लेकिन ये ब्लेंड नहीं हो रही है। और फाइनली इसने मुझे लुक दिया कि जैसे ग्रे, एश ग्रे जैसा होता है ना, कि कोई आपने बहुत ज़्यादा कुछ चोक अप्लाई कर लिया और उसके बाद में थोड़ा सा, वेल मैं इसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं और अफोर्डेबल है, अच्छी है, मतलब ये काफ़ी अपना अच्छे से काम करती है लैक्मे सनस्क्रीन। लेकिन जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने उसको जब मुझसे ब्लेंड नहीं हुआ तो फाइनली मैंने टॉवल से उसको थोड़ा थोड़ा वाइप किया एंड देन वो ठीक ठाक दिख रही थी। एंड मेकअप का तो भूल ही जाइए कि इसके बाद में आप कुछ मेकअप अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा स्टिकी फील मुझे दे रहा था जबकि इसमें नॉन स्टिकी लिखा हुआ है। मुझे थोड़ा स्टिकी लगा, मैट जैसा तो कुछ लगा ही नहीं विंटर में, सॉरी समर में, और पसीना इतना आ रहा था कि पूछो मत। फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसे दोबारा ट्राई करूं लेकिन ये अच्छा है, ये फिज़िकल सनस्क्रीन है क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। फिज़िकल सनस्क्रीन ऐसी ही होती हैं, जिंक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की वजह से वो थोड़ा वाइट कास्ट, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रोटेक्शन का भी काम करती है क्योंकि ये जो UVA और UVB रेज होती हैं उनको ये रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको एब्जॉर्ब नहीं करती, रिफ्लेक्ट करती हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट अगर आप वाइट कास्ट जैसा कुछ अपने फेस पे नहीं चाहते हैं तो आप केमिकल सनस्क्रीन ट्राई कीजिए। तो दूसरा जो था सनस्क्रीन वो है काया सन डिफेंस, दिख पा रहा है आपको, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, काया सन डिफेंस है और ये भी SPF 50 है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर ऑल स्किन टाइप। इसको भी मैंने ट्राई किया तो वही सेम टू सेम जो लैक्मे में मैंने फेस किया थोड़ा, तो टू फिंगर रूल तो आप भूल ही जाइए। मैंने उसके बाद में थोड़ी मात्रा में मैंने इसको अप्लाई किया तो फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा वाइट कास्ट जैसा होता है कि जैसे कुछ चोक अप्लाई कर लिया। मैं सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब लोग बाहर जाऊँ तो मुझे, मैं इस बात को लेकर कॉन्शियस रहूँ कि मेरा फेस वाइट दिख रहा है, क्या करूँ। तो मैं कंफर्टेबल रहना चाहती हूँ कि मैंने सनस्क्रीन वेयर किया हुआ है लेकिन मैं उसको दिखाना नहीं चाहती कि हाँ भाई मैंने सनस्क्रीन लगाया है, आप देख लो अच्छे से। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम थी। लेकिन आप फिजिकल सनस्क्रीन के फैन हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़, जो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बहुत तरह के सनस्क्रीन एक्सपेरिमेंट किए और सेबामेट जो है सनस्क्रीन, ये भी वेरी हाई 50+ वोट ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, ये UVA और UVB फिल्टर्स
मतलब प्रोटेक्शन, ट्रिपल प्रोटेक्शन विद यूवीए यूवीबी फिल्टर्स एंड विटामिंस ई, ये भी है इसमें, जो सन डैमेज और एजिंग से प्रोटेक्शन देता है. मैंने आपको बता दिया कि कोई भी सनस्क्रीन आप जो यूज़ करें उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, यूवीए और यूवीबी रेज से प्रोटेक्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए. तो वैसे अच्छा है ये सीरम में जो है पीएच 5.5 होता है, तो ये इतना क्लिनिकली टेस्टेड होता है, बच्चों पे भी आप आराम से इसको लगा सकते हैं. तो मेरा इसके साथ सेम टू सेम वही, बिकॉज ये भी फिजिकल सनस्क्रीन है तो वाइट कास्ट सेम प्रॉब्लम. तो पता नहीं मैं बार बार क्यों फिजिकल सनस्क्रीन ही ले जा रही थी, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी कि सनस्क्रीन क्या होती है, कैसे आपको यूज़ करनी चाहिए, किस तरह की यूज़ करनी चाहिए आपको, आपको किस तरह की पसंद है. तो इसके बाद में अभी जब मैं लक्षद्वीप जाके आई तो हाँ, तो वहाँ पे मैंने इसको अपने हाथों पे और पैरों पे अप्लाई किया था. तो फ्रेंड्स पानी में जैसे ही मैं गई तो इसने उतरना शुरू कर दिया, स्ट्रिपिंग ऑफ लाइक एनीथिंग. और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी, मुझे लगा कि ये कैसे, ये वाइट वाइट निकल रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा था, वो बहुत गंदे तरीके से निकल रही थी सनस्क्रीन, मतलब ये वाटर रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं है. और इसलिए आप अगर मेक श्योर कि आप कहीं किसी स्विमिंग पूल में या कोई सी साइड कोस्टल एरिया में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे आपको उतरने की टेंशन हो, इसके स्ट्रिप ऑफ होने की टेंशन हो, तो ये उस चीज़ के लिए वो नहीं है कि हाँ ये वाटर रेसिस्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको भी आपको इतना सजेस्ट नहीं करूँगी. अगर आप बाहर मतलब पानी वाली जगह पे नहीं जा रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन ब्लेंडिंग इज़ अ प्रॉब्लम, ब्लेंडिंग सेम प्रॉब्लम है, आपको कम से कम 5 से 10 मिनट ब्लेंड में लग जाएंगे और आप रगड़ते रहो कभी तो ब्लेंड होगा तो वाली बात है. एंड देन आई फाइनली गॉट समथिंग लाइक रिक्विल, ये मेरी फ्रेंड ने, ये सब फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे. तो रिक्विल मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था और उसी ने मुझे ये दिया था. तो ये ऑक्सीबेंजोन एंड ओएमसी फ्री सनस्क्रीन है. तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो होता है कि ऑक्सीबेंजोन जो होता है वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, इसलिए ये थोड़ा सेफ नहीं माना जाता है, लेकिन सभी सनस्क्रीन में इसका उपयोग होता है. हालांकि इतना ज़्यादा भी हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. तो ये उससे फ्री है, सबसे अच्छी बात ये है, और 6 आवर्स लॉन्ग प्रोटेक्शन का ये दावा करती है. सेंसिटिव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, नॉन कोमेडोजेनिक. तो यस, हाँ मैंने इसको बहुत यूज़ किया है और ये मुझे किसी भी तरह का कोई वाइट कास्ट ऐसा कुछ फील नहीं हुआ लगाने के बाद, मैं सेटिस्फाई थी और ब्लेंडिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आपने थोड़ी देर किया और देन ठीक है. हाँ बस थोड़ा सा ये मैट फिनिश आपको नहीं देगा, मैं आपको बता दूँ, आपको लगाने के बाद में थोड़ा सा और पीलिंग ऑफ वाली प्रॉब्लम भी है. अगर आपने इससे नीचे अगर आपने कोई मॉइस्चराइजर कोई ऐसी चीज़ लगाई है तो थोड़ा सा पील होना शुरू हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना मिनिमलिस्ट वाला. मिनिमलिस्ट वाला भी एक और है सनस्क्रीन, वो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कुछ भी अगर मॉइस्चराइजर भी कुछ लगाया है तो वो भी पील ऑफ होना शुरू हो जाता है. तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने कुछ भी लगाया, आपने सनस्क्रीन लगाया वही पील हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा. लेकिन रिक्विल जो है ये ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपने अप्लाई किया और थोड़ा ब्लेंड हो जाने दीजिए उसको, एंड देन ठीक है सब कुछ. हाँ तो इसी का मैंने एक मैट फिनिश वाला मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल, ये ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए तो एक तरह से मेड फॉर ईच अदर. आपकी ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है और आपको कोई भी सनस्क्रीन सूट नहीं कर रहा है, आप बाहर जाने से पहले थोड़ा वाइट नहीं दिखना चाहते हैं सनस्क्रीन की वजह से, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें. रिक्विल का अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल है, ये मुझे बहुत पसंद आया. ये भी SPF 50 प्लस है और काफ़ी अच्छा, मतलब मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो इसे अंडर मेकअप या फिर आपने इसे लगाया, ये पील भी नहीं होता है, ये आपकी स्किन पे एकदम स्मूथ, इसका टेक्सचर इतना स्मूथ है कि बस आपने इसे लगाया एंड देन यू आर सॉर्टेड आउट, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है. आपने लगाया, इसके ऊपर मेकअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पील ऑफ नहीं होगा. और प्रोटेक्शन जो है इसने, मैंने इसे अभी टेस्ट किया, अभी मैं जस्ट काफ़ी घंटों तक धूप में रहना होता था, लेकिन फिर भी मेरी स्किन पे इतना ज़्यादा सन रेज का इफ़ेक्ट नहीं हुआ जितना हो सकता था, तो इसने मुझे काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया. और हाँ, रीअप्लाई के लिए मैं आपको बताऊंगी
नेक्स्ट वीडियो में जो स्प्रे सनस्क्रीन जो मैंने ट्राई किया उसका रिव्यू मैं आपको जल्दी ही दूंगी, तो स्टे ट्यून दोस्तों और पूरा वीडियो देखिए। और हाँ आप बताइए कि आपको कौन सी सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा पसंद है। और एक और सनस्क्रीन है दोस्तों जो मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था मुझे, यूवी डॉक्स करके, उसका टेक्सचर भी मैंने अप्लाई करके देखा तो काफ़ी इसके जैसा मुझे लगा, मतलब रिक्विल जो है ड्राई टच वाला। और तो वो भी डॉक्टर्स काफ़ी रिकमेंड करते हैं और अब आराम से उसको भी लगाएंगे तो केमिकल सनस्क्रीन है वो भी, मतलब वो उससे वाइट कास्ट जैसा आपको फील नहीं होगा, तो वो मैं आपको लिंक जरूर भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि आपको कौन सी ज़्यादा सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा पसंद है। और हाँ टिंटेड सनस्क्रीन भी अगर आपने ट्राई की है तो कौन सी सबसे अच्छी लगी आपको मुझे ज़रूर बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, एंड अगर आपको पसंद आता है कुछ भी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।